आखिरकार सूबे के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से सदन में कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, आज उसी का जीता जागता उदाहरण उमेश पाल हत्याकांड में देखने को प्रयागराज में मिला। मुठभेड़ में जो खास अतीक का आदमी बताया जा रहा है यानी कि अरबाज, उसको ढेर कर दिया गया। हम उसी घटनास्थल पर मौजूद है जहाँ पे मुठभेड़ के समय पर अरबाज को ढेर किया गया था। आप ये देख रहे होंगे जो पीछे ये जो झाड़ियाँ दिख रही हैं, ये कैंट एरिया से सटा हुआ इलाका है यानी नेहरू पार्क क्षेत्र है, जहाँ पर मुठभेड़ के दौरान अरबाज को ढेर कर दिया गया था। ये सीधे तौर पे आपको दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये खंडहर टाइप का बना हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से ये लोग इसी ठिकाने पर अपना संरक्षण ले रखे थे और यहीं पर ही बैठे हुए थे। पुलिस को तमाम इनपुट मिल रहे थे लेकिन लगातार पुलिस कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ने की प्रयास कर रही थी, लेकिन आखिरकार आज जब पुलिस को पूर्ण रूप से इनपुट मिला कि इस जंगल के अंदर बदमाश जो है वो छुपे हुए हैं, तो पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की। उसके बाद सर्च ऑपरेशन किया गया और जब पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग किया तो जवाबी फायरिंग में अरबाज को गोली लगी, जिसके बाद उसको एसआरएन अस्पताल ले जाया गया और मौके पर उसकी बताई जा रही है कि हालत नाजुक थी, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। ये आप देख रहे हैं यहीं पर ही जो मुठभेड़ के दौरान अरबाज की बॉडी जो है वो यहीं पर ही पड़ी हुई थी और इसी के बगल में अरबाज जिस बाइक से भाग कर आकर यहाँ पर छुपा हुआ था, ये वही ठिकाना, ये वही इलाका है, क्योंकि ये घना जंगल है। तकरीबन 3.5 या 4 किलोमीटर के पूरे रेंज में ये जंगल बसा हुआ है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पुलिस की जो कार्रवाई है अब ताबड़तोड़ रूप से शुरू हो गई है। अन्य आरोपियों की भी तलाश में पुलिस अन्य ठिकानों पर दबिश दे रही है। जिले में नहीं, जिले के बाहर भी पुलिस की एसटीएफ की टीम और प्रयागराज की जो टीमें हैं वो लगी हुई है। अब देखना होगा कि आखिरकार आगे की कार्रवाई में पुलिस का क्या कुछ रुख होता है और किस तरीके से अंजाम दिया जाता है। प्रयागराज से विनय सिंह रघुवंशी।